आदाब नाजरीन, हमेशा की तरह बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका डीडी उर्दू की खास पेशकश मुबाहिसा में। मैं हूँ आपके साथ मुमताज खान। जैसा कि आप जानते ही हैं, मुबाहिसा की हमेशा से यही कवायद रही है कि वो मसाइल, वो मुद्दे जो सीधे आपकी जिंदगी पर असर करते हैं, उन्हें आपके बीच लेकर आए और किसी तरह से उनके हल निकालें, आपको बताएं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इसी सिलसिले में आज हमने टॉपिक चुना है, उनवान चुना है, एक बीमारी है कैंसर। सुनने में बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन जब आप हमारे ये शो देखेंगे, हमारे डॉक्टर्स के पैनल से आपकी मुलाकात होगी, तो आपको लगेगा कि ये खतरनाक जरूर है लेकिन लाइलाज नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ यही समझने की जरूरत है कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, चिराग अगर दिन में जलाए तो क्या किया। जी हाँ, कैंसर से आप बच सकते हैं, बशर्त कि आप उसको पहले से समझें, पहले से उसके सिम्टम्स, उसके असरात आपकी नजर में आ जाए और फिर आप उसका बेहतर तरीके से इलाज करवा पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास पेशकश की, और सबसे पहले मिलवाते हैं आपको अपने यहाँ पर मौजूद उन डॉक्टर्स के पैनल से जो अपने इस काम में माहिर हैं, कैंसर के निजात के लिए, कैंसर के इलाज के लिए लंबे वक्त से, लंबे अरसे से काफी मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर पीके जुल्का से। डॉक्टर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बता दें आपको कि डॉक्टर साहब फॉर्मर डीन है एम्स में और प्रोफेसर भी रहे वहां पर, और लंबे अरसे तक एम्स में अपनी सर्विसेज दी हैं, और फिलहाल मैक्स ऑन्कोलॉजी में बहैसियत डायरेक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी खिदमत दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं हम डॉक्टर वी सीनू से। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर सीनू के बारे में आपको बता दें कि आप भी एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में प्रोफेसर हैं और ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक तमाम चीज़ों के इलाज करते हैं, निजात दिलाते हैं वहाँ पर लोगों को, और वो भी लंबे अरसे से, लंबे वक्त से एम्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित, आप राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। डॉक्टर जुल्का, पहले आप ही का रुख करेंगे हम कैंसर का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पर, कैंसर आमतौर पर बहुत खतरनाक माना जाता है, ला इलाज भी माना जाता है, लेकिन अगर पहले से मालूम हो, पहले से इसके सिम्टम्स पता चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन पहले ये बताएं हमारे नाजरीन को कि कैंसर है क्या। दरअसल हमारे शरीर में कई कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, तो वो नियमित रूप से ग्रो करते हैं, मतलब जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे एक फिक्स्ड रूल है जिसे हम कहते हैं। तो अगर वो अनियमित रूप से ग्रो करें, मतलब कि हैपहैज़र्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, वो एक गांठ बना देते हैं या अल्सर बना देते हैं, छाला बना देते हैं, उसको हम कैंसर कहते हैं, और वो एक खतरनाक बीमारी बन जाता है। लेकिन कैंसर लाइलाज नहीं है, जैसा कि आपने बोला कैंसर का इलाज संभव है। हम हमेशा कहते हैं कि पहला चीज कैंसर को प्रिवेंट करें, होने ही न दें। दूसरा, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा लाइलाज नहीं है कैंसर, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस बीमारी को लेकर काफी सारे मिथ्स भी हैं, लोगों में काफी सारे भ्रम भी हैं, तो यही भ्रम आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सीनू, आपका रुख करें हम यहाँ पर, कैंसर कितने किस्म का होता है। कैंसर कई किस्म के होते हैं, लेकिन ये जरूरी है अपने को पता होना चाहिए कि जो कैंसर हिंदुस्तान में ज्यादातर होते हैं, तो अगर आप मर्दों में देखा जाए तो मर्दों में जो कैंसर होते हैं वो फेफड़े की कैंसर, जो लंग कैंसर कहा जाता है, वो होता है, और दूसरी कैंसर है कि जो मुंह के अंदर छाले होते हैं, ओरल कैंसर होता है, और तीसरा एक गदूत होती है प्रोस्टेट, उसकी कैंसर, ये मर्दों में कॉमन है। जी। लेकिन जब हम औरतों में देखते हैं तो औरतों में कैंसर ये होती है कि एक तो होती है कि ब्रेस्ट, जो स्तन की कैंसर है, और दूसरी होती है बच्चे की मुंहदानी जो होती है, बच्चेदानी की मुंह, उसकी कैंसर होती है कैंसर सर्विक्स, और ये भी है कि दूसरी चीज है ओरल कैंसर भी औरतों में ज्यादातर से होता है। जी। तो ये जरूरी है कि हम ये कैंसर्स के बारे में मतलब अच्छी तरह ये जान लें कि ये कैंसर्स लाइलाज बिल्कुल नहीं है, इसकी इलाज हो सकती है। जरूरी बात यह है कि ये कैंसर्स को हम पहले से पहचान लें और अर्ली स्टेज में पहचाने तो इसकी इलाज जरूर हो सकती है। और लोगों को एक चीज और बताना जरूरी है कि हमारे देश में हर साल 11 लाख तकरीबन न्यू कैंसर केसेस होते हैं, नए कैंसर के केस, जिनमें से 40% तंबाकू के सेवन से होते हैं। तंबाकू का सेवन मतलब सिगरेट, बीड़ी,
ये तो स्मोकिंग टोबैको है, स्मोकलेस टोबैको, मतलब जिसमें धुआं नहीं होता, जैसे जर्दा, खैनी, पान मसाला, ये सब कैंसर करते हैं। यानी कि बहुत बहुत हद तक इससे आपको पता लगता है, अगर तंबाकू की सेवन वाला कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, अगर बंद कर तो 40% कैंसर हिंदुस्तान में कम हो सकते हैं। वाकई एक बड़ा डाटा है, इसको अगर समझने की कोशिश करें डॉक्टर साहब। हाँ, और कैंसर के सिम्टम्स भी हम बताएंगे अपने नाजरीन को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सज्जन आपका रुक कर यहाँ पर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त किस किस्म का कैंसर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, जिससे लोग बेहाल हैं, अभी परेशान हैं? हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैंसर के अंदर दो मेन ग्रुप्स हैं। एक मर्दों के अंदर जो कैंसर है, उसमें हमारे देश के अंदर हेड एंड नेक कैंसर या नाक कान गला मुंह का कैंसर जो है वो सबसे कॉमन है जी। और उसके बाद लंग कैंसर है या फेफड़े का कैंसर है। इसी तरह स्त्रियों के अंदर जो है सबसे मुख्य कैंसर जो है वो अभी ब्रेस्ट कैंसर है जी। और नंबर टू पे जो कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है जी। जी, तो ये अगर हम देखें, अगर चारों कैंसर मिला दें हम लोग, टोटल अगर 100 केसेस हैं तो 50-60% जो केसेस हैं वो इन्हीं चारों कैंसर्स के होते हैं जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि लाइलाज नहीं है, लेकिन कौन सी ऐसी स्टेज आती है कैंसर की इस बीमारी में जबकि ये लाइलाज हो जाता है? देखिए, हम इसको जनरली चार स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 जी। तो स्टेज 1 और 2 पोटेंशियली, स्टेज 1 में क्योरेबिलिटी ज्यादा है, 2 में उससे कम है, 3 में उससे कम है, 3 और 4 को एडवांस्ड कहते हैं, 4 को हम मेटास्टेटिक कहते हैं। मेटास्टेटिक का मतलब जो कैंसर ब्रेस्ट में है, जैसे स्तन में है, वो हड्डियों में फैल गया या वो ब्रेन में फैल गया, लिवर में, लंग्स में, कहीं दूसरी जगह फैल गया जी। तो वो फिर लाइलाज हो जाता है जी, जी। उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इलाज करते हैं। किस लिए? उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो जितनी देर जिंदा रहे अच्छी तरह रहे जी। डॉक्टर साहब, फोर्थ और थर्ड स्टेज की नौबत ही ना आए, फर्स्ट स्टेज पर मालूम हो जाए कि कैंसर है और उसका इलाज भी मुमकिन हो पाए, वो कौन से सिम्टम्स होते हैं, या एक आम इंसान को जिसे फिलहाल कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है, उसे कैसे मालूम हो कि वो किसी किस्म के कैंसर से जूझ रहा है? ये ना, पहले हम ये देखते हैं कि हम जैसे कहें औरतों में स्तन कैंसर कॉमनली होता है, तो अगर कोई औरत है जो 30 या 35 साल से ज्यादा है और उनको स्तन के अंदर, मतलब ब्रेस्ट के अंदर कोई गिल्टी होती है और उसमें दर्द नहीं होती है, मैं ये जानबूझकर स्ट्रेस करके बता रहा हूँ, जो गिल्टी होती है जिसमें दर्द नहीं होती है और 35 साल से उम्र के ज्यादा है, तो जरूरत है कि ये अर्जेंटली जाके कोई डॉक्टर को दिखा लें और इसकी जांच पड़ताल करवा लें। और जांच पड़ताल में जब तक ये प्रूव नहीं किया जाता कि ये कैंसर नहीं है, तब तक ये गिल्टी को नहीं छोड़ सकते हैं जी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ओरल कैंसर मर्दों में कॉमनली हो जाता है, और कोई तंबाकू का सेवन करता था और उसको अगर मुंह के अंदर कोई छाला हो जाता है और वो छाला बिल्कुल हील ही नहीं होता है, मतलब छाला भरता ही नहीं है इलाज के बावजूद, और वो छाले में दर्द नहीं होता है, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो इसकी फौरन अपने डॉक्टर को, नजदीक के डॉक्टर को दिखा लें और इसको बायोप्सी करवा लें, तो उससे पता लग जाएगा ये कैंसर है नहीं, और ये स्टेज में ये दोनों कैंसर इलाज के लायक हैं जी। दोनों कैंसर इलाज के लायक है। डॉक्टर सज्जन, जैसे आप लोगों ने बताया कि 40% के आसपास जो कैंसर के जितने भी केसेस हमारे मुल्क में है वो टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस वजह से हो रहे हैं, तो जब ओरल कैंसर से कोई इंसान, कोई शख्स जूझ रहा होता है, डॉक्टर साहब ने बताया कई बार मुंह में छाला होता है, उस पर दर्द भी नहीं होता है, तो क्या कोई और सिम्टम्स भी उस वक्त काम कर रहे होते हैं, कोई तबीयत खराब हो रही होती है उस शख्स की जो कैंसर से जूझ रहा होता है? ये देखिए, बहुत सोचने वाली बात है कि ज्यादातर लोगों में स्टार्टिंग में लक्षण नहीं आते हैं, और लक्षण बहुत ही लोकल लक्षण होते हैं, जैसे कि छाला हो गया, उसको संजीदगी से नहीं लेते, संजीदगी, हाँ हाँ, जिस समय उसको संजीदगी से लेना चाहिए उस समय हम ले नहीं पाते हैं। उसके बाद जब चीजें बाकी जगह, जैसे स्टेज 4 होता है, उसमें बीमारी दूसरी जगह जाती है तो और नए लक्षण लाती है, तब लोग उसके प्रति सजग होते हैं जी। तो हमें लोगों के अंदर ये, हर आम इंसान के अंदर ये अनुभव होना चाहिए कि वो अपने शरीर के प्रति जागरूक हो, और कोई भी ऐसी तकलीफ जो लोकल जगह पे भी है और हफ्ते दो हफ्ते में वो चीज ठीक नहीं हो रही है, अगर अपने लोकल डॉक्टर को दिखा के भी वो चीज, जैसे छाला है, मुंह का छाला 2 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हुआ,
और जरूरी नहीं है कि उसमें दर्द हो, जैसे डॉक्टर साहब ने, दर्द हो नहीं हो, लेकिन चीज अगर सेटल नहीं हो रही है आम दवाई लेने से, छोटी मोटी दवाई लेने से, मेरे हिसाब से दो हफ्ते से ऊपर कोई भी तकलीफ है उसको आगे स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, आप समझ रहे होंगे कि सेहत हजार नेमत है, ये ऐसे ही नहीं कहा हमारे बड़ों ने, वाकई सेहत हजार नेमत है। अगर आप सेहतमंद हैं, सेहत याफ्ता हैं, तो जिंदगी की हर खुशी आपको खुशी लगेगी, वरना जिंदगी के सारे रंग फीके नजर आने लगते हैं। ये एक बीमार शख्स ही आपको बेहतर बता सकता है कि बीमार होते हुए वो अपने आसपास मौजूद खुशियों को भी कैसे महसूस नहीं कर पाता है। क्योंकि लोग एक आपके पूछने से पहले एक और कहना चाहेंगे हम लोगों से कि ये ना सोचें कि मेरे बेटे का एग्जाम है, वो हो जाए तब मैं दिखाने जाऊंगा या दिखाने जाऊंगी, शादी हो जाए बच्चे की तब दिखाने जाऊंगी, तो स्टेज वन से स्टेज फोर बन जाता है, क्योंकि कैंसर सेल कभी सोते नहीं है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये जरूर सोचना चाहिए, जैसे ही प्रथम अवस्था में पहले ही पता चले तो डॉक्टर को दिखाएं। जी हाँ बिल्कुल, स्टेज वन से स्टेज थर्ड फोर्थ तक जाने की नौबत ना है, इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी बीमारी को संजीदगी से लें, अपनी खुद की अहमियत को समझें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए पूरी एक दुनिया होते हैं, औरों के लिए आप बेशक एक शख्स हो सकते हैं जिसे शायद कोई जानता है कोई नहीं जानता है, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप पूरी एक दुनिया होते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि इस देश की आधी आबादी का मामला है, ख्वातीन इस देश की आधी आबादी को कवर करती हैं, तो डीडी उर्दू हमेशा से अपना फर्ज समझता है कि ख्वातीन के लिए खास तौर से तमाम चीजें इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, ताकि ख्वातीन को भी अपनी अहमियत का एहसास हो। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपसे तफसील से जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमारे देश में सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है, ये नहीं कि आदमियों में नहीं होता, आदमियों में भी होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ख्वातीन से कम होता है। वो 1% होता है जो फीमेल में कैंसर होता है। तो ये कैंसर की जो हम आंकड़े देखें, दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री का मैं इंचार्ज था पहले, आंकड़े देखें तो 30 से 32 per 100,000 पॉपुलेशन हम देखते हैं, 1,00,000 के पीछे 30 से 32 केसेस होते हैं, तो ये काफी हाई परसेंटेज है ब्रेस्ट कैंसर की, और पहले से बढ़ा है। और एडवांस स्टेजेस में, अब हम मैं बात कर रहा हूँ 1970s और 1980s की, जब हम 80% केसेस देखते थे स्टेज फोर में या स्टेज थ्री में, आजकल उससे कम हो गए, अर्ली स्टेजेस में लोग आने लगे, स्टेज वन हम कभी देखते ही नहीं, क्योंकि हम टीवी के द्वारा, दूरदर्शन द्वारा या हम रेडियो द्वारा ये अवेयरनेस कर रहे हैं, तो अवेयरनेस जरूरी है, वो अवेयरनेस सिर्फ दूरदर्शन नहीं, हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के द्वारा जरूरी है जी। तो इसलिए लोगों को जैसे ही गांठ नजर आए, स्तन में कोई भी गांठ नजर आए जिसमें दर्द ना हो, बताया जैसे डॉक्टर साहब ने, और या निप्पल धस जाए, पीछे हो जाए, या निप्पल से खून आए, या बगल में गांठ हो जाए, या अपने गर्दन में कोई गांठ हो जाए, किसी भी औरत को ये सिम्टम हो तो अवश्य डॉक्टर के पास जरूर जाए जी और दिखाएं। और ये ना करें, कई लोग क्या करते हैं कि हमने दिखाया, मैमोग्राफी करा ली, एक एक्सरे, और उसमें आ गया कि कुछ छोटा सा लंप है, चलो निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो नहीं करना, लेकिन उसको अच्छी तरह जांच करानी है। लोग क्या करते हैं, FNAC करा लिया, FNAC कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। आज ही हमारे पास पेशेंट आया जिसने FNAC नेगेटिव आ गया, अब क्या करें भी, हम वो निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत नहीं होना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि उसमें फिर हम बायोप्सी करते हैं, लापरवाही नहीं करनी चाहिए जी हाँ। जब तक ये ना कंफर्म हो जाए कि वो कैंसर नहीं है, तब तक उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए जी हाँ। और डॉक्टर्स को पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करें, आपकी जिंदगी कीमती है और जिंदगी मिलती भी एक ही बार है, जहां तक हमारा और आपका सबका यकीन है। डॉक्टर सिन्हू, ब्रेस्ट कैंसर का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, उसी पर हमारी ये पूरी तफसील से मुलाकात भी हो रही है, ये खास प्रोग्राम भी उसी पर रखा गया है, कैंसर और उसके तमाम पहलुओं पर। तो ब्रेस्ट कैंसर अमूमन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये उसके शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं, लेकिन ये कब जाकर इनक्योरेबल हो जाता है? क्या ब्रेस्ट कैंसर भी एक स्टेज पर जाकर लाइलाज हो जाता है? जी, ये हो सकता है, ये जरूरी है कि हम कैंसर को वो स्टेज को ना पहुंचे, ये इसके लिए जागरूकता लेने की जरूरत है। हम कहते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर लाइलाज है जब ये
अपने बदन के दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाती है, जैसे फेफड़े में पहुंच गई है या अपने जिगर में पहुंच गई है या ब्रेन में पहुंच गई है या हड्डियों में पहुंच गई है, तो हम इसको बोलते हैं कि इसके इलाज संभव नहीं है. लेकिन इलाज संभव नहीं है मतलब इसके क्योर नहीं हो सकती है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है और इसके वजह से पेशेंट को जो तकलीफ होते हैं उसको दूर करने की इलाज भी कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को जो कहते हैं कि एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं. दूसरा चीज है कि स्तन के अंदर ही जब भी कैंसर वो इतना फैल जाता है कि उनकी चमड़ा फूट गई है, चमड़े के बाहर भी आ गई है ट्यूमर, या छाती के जो हड्डियां होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसको इन्वॉल्व कर जाती है, तभी भी हम ये कहते हैं कि ये इलाज के लायक नहीं है. बट ये जरूरी है जानने की, जब हम कहते हैं कि इलाज के लायक नहीं है मतलब कि इसके क्योर नहीं हो सकती है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं दवाई देकर या रेडियोथेरेपी देकर, और इसको पेशेंट को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं. जी डॉक्टर सर्जन, ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर किस एज ग्रुप की ख्वातीन में ज्यादा पाया जाता है, किस उम्र में ये ज्यादा अफेक्ट करता है? ये अगर हम देखें लेडीज के अंदर 40 इयर्स के बियॉन्ड इसका जो इंसिडेंस होता है या जो चांस होता है बढ़ जाता है. इंडिया में अगर देखें हम बाकी जगह के आंकड़ों से, अगर वेस्ट के डेटा को देखें, वहां से 10 साल पहले होता है. तो नॉर्मली अगर वहां पे 50 साल के बाद ज्यादा चांस होता है, तो इंडिया में 40 साल के बाद ही इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है. तो 40 से 60 साल की लेडीज होती हैं जिसमें मैक्सिमम इसका इंसिडेंस. यानी डॉक्टर जुल्का, शादीशुदा ख्वातीन में ज्यादा ये पाया जाता है? इंडिया में हर कैंसर एक दशक पहले होता है, वन डेकेड अर्लियर, बाकी लोगों दुनिया के बाकी मुल्कों से पहले. वेस्टर्न मुल्क जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अगर 50 साल से ऊपर होता है जैसे डॉक्टर साहब ने होता है, यहाँ 40 साल से ऊपर, तो एक दशक पहले होता है. क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, इसलिए भी हो सकता है. ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि हमें पता नहीं है. तो इसमें ये चीज याद रखनी है कि फैमिली हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट मायने रखती है. अगर किसी की माँ को, मासी को या फादर की साइड से किसी को है, तो उसमें जो जीन्स प्ले करती हैं रोल, BRCA1 और BRCA2, ये दो जीन्स इम्पोर्टेंट है. तीसरी जीन जो अब आजकल आई है वो है PALB2. वो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जीन्स इम्पोर्टेंट है जो कि आगे कैरी ओवर करती है. यानी कि बहुत सारी वजूहात हैं जो कैंसर के लिए काम करती हैं, कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं. तो ब्रेस्ट कैंसर में खासकर ये याद रखना है कि एक तो फैक्टर्स होते हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे कि अर्ली मिनार्की एंड लेट मीनोपॉज. मतलब मिनार्की मैंने जब मेंसेस शुरू होते हैं लड़की के, अगर जल्दी हो और मीनोपॉज लेट हो तो वो तो अपने हाथ में नहीं है. तो वो भी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं? वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्योंकि उतनी देर फीमेल हार्मोन उस पे एक्ट कर रहा है. तो फीमेल हार्मोन जो इस्ट्रोजन्स जिसे हम कहते हैं वो ही कल्प्रेट है. और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती औरतें, दूध नहीं पिलाती, उनमें भी ज्यादा रैम्पेंट है, ज्यादा पाया जाता है. क्योंकि आजकल लड़कियां औरतें जब माँ बनती हैं तो सोचती हैं कि शायद फिटनेस पे इसका गलत असर पड़ेगा अगर हम फीड कराएंगे. जो मोटापा जिनमें ज्यादा है उनमें भी ज्यादा होता है. सेडेंटरी हैबिट्स, जंक फूड खाना, तो ये सब चीजें लाइफस्टाइल. बिल्कुल. अगला सवाल डॉक्टर सीनू मेरा लाइफस्टाइल पर ही होने जा रहा था कि आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है, वो चाहे शहरों की जिंदगी हो, गांव में भी काफी हद तक लोगों का खान पान चेंज हुआ है, बदला है, तो आज का जो लाइफस्टाइल है वो किस हद तक जिम्मेदार है कैंसर के लिए भी और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी? काफी हद तक. जैसे डॉक्टर जुल्का कह रहे थे कि जब भी कैंसर होता है तो उसके तीन कारण होते हैं. एक तो होती है कि उसकी एक इटियोलॉजी होती है, जो थोड़े कैंसर में जैसे जो बच्चेदानी की मुंह की कैंसर है उसमें एक वायरस को बताया जाता है, इसके वजह से होती है. दूसरी कारण होती है कि अपने बॉडी के, जैसे प्रोफेसर जुल्का ने कहा, जेनेटिकली, ठीक है, ये जेनेटिक्स को हम ज्यादा बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो वायरस वगैरह है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. बट सबसे इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अपना खाना पीना, उठना बैठना, जो एनवायरमेंट में आप पलते हैं, इसको ज्यादा हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो इवन जो जेनेटिक्स में जो चेंजेस होते हैं, जो एपिजेनेटिक्स बोला जाता है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी लाइफस्टाइल या जीवन शैली या जो
हर रोज उठना बैठना है, जो खान पान है लाइक धूम्रपान ना करें, ठीक है, शराब ना पिए, ठीक है, अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, फ्रेश फ्रेश फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेस फैट इन डाइट, एक्टिव एक्सरसाइज, ये सबसे इवन जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उसको भी कुछ हद तक मॉडिफाई किया जा सकता है। डॉक्टर सज्जन, जैसे कि आप तमाम लोग बार बार बता रहे हैं लाइफस्टाइल भी और खाना पीना क्या होना चाहिए, ये अक्सर हर शो में बताए जाते हैं, लेकिन लोग असर कम लेते हैं कि खुद को यूथ भी कंसिडर करते हैं, पर क्योंकि आप यंग जनरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खुद एक डॉक्टर हैं, आप कैसे कन्विंस करेंगे हमारे नाजरीन को भी कि वो ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें ताकि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और तमाम किस्म के कैंसर जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं उनसे आप बच सके, कितना जरूरी है इस तरह के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, उसी पे चलना। देखो, ज़रूरी बहुत है, लेकिन हम सब लोग समझते हैं कि हम अर्बन लाइफ में रहते हैं, हर किसी की लाइफ में एक लेवल ऑफ स्ट्रेस भी रहता है जी। खाने पीने की रूटीन जो है वो हम जैसे बोलते हैं डॉक्टर्स, लेकिन बहुत बार हम लोग खुद फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट जितना हो सके उसको हम लोगों को कोशिश ये करना, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम एक चीज़ सोचें इसमें तो टोबैको यूज़ नहीं करना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी प्रिवेंटेबल और यूथ से शुरू होता है, तो यूथ को दे शुड एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर करें कि टोबैको से दूर रहिए, अल्कोहल टू सम लिमिट, इट कैन बी डेट्रीमेंटल इफ इट इज अगर एक्सेस में लिया जाए वो, और उसके अलावा खाने पीने में ये कि मतलब कभी कभी ठीक है आप मसाला वगैरह लीजिए, बट रूटीन जो खाना होना चाहिए आपका दैट शुड बी बैलेंस्ड डाइट, शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अमाउंट जो होता है वो लिमिटेड होना चाहिए, फैट्स एक्सेस में नहीं होना चाहिए, तो वो हम सब लोगों को एज रूटीन एज एजुकेटेड पीपल पता भी होता है, सिर्फ उसको अमल करने की। बिल्कुल, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, तमाम चीजें इनको जिंदगी में अमल में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आगे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी जी जा सकती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में इन तमाम चीजों को जिंदगी में अमल में लाना बहुत जरूरी है ताकि सहूलत से आप अपनी जिंदगी काट सके। डॉक्टर साहब, चंद सवाल और हैं आपसे। ब्रेस्ट कैंसर गांव की औरतों में भी पाया जाता है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी गांव में पाया जाता है, तो एक झिझक भी होती है औरतों में, वो कैसे मिले डॉक्टर से, कैसे आप उन्हें इनकरेज करेंगे कि वो आके मिले ताकि इस बीमारी से उनको निदान मिले, उनको निजात मिले? नहीं, उसी लिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। जी, हमारा जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है हमारे देश का, क्योंकि हम पहले उसके पार्ट थे, मदर एज फ्रॉम एम्स ऑल्सो, लेकिन वो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया है, उन्होंने डायबिटीज, स्ट्रोक, ये कार्डियोवास्कुलर ये सब मिला दिया कैंसर में। तो अब ये सारी चीजें लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर आशा वर्कर भी है, कोई सोशल वर्कर है, उसको सिखा दिया जाए कि अब जैसे एसिटिक एसिड का है कि बच्चेदानी के मुंह पे एसिटिक एसिड लगा दो, अगर सफेद पैच नजर आए तो वो डॉक्टर के पास भेज दो। जी जी, कि वो वहां यानी कि बहुत बहुत छोटे छोटे तरीकों को अमल में लाकर पता किया जा सकता है गांव में भी, दूर दराज के इलाकों में भी, कि औरतें किसी किस्म के कैंसर से जूझ रही हैं। डॉक्टर सिन्हू, झाड़ फूक का भी लोग सहारा लेने लगते हैं इस देश में, तो अभी भी इस मुल्क में अभी भी झाड़ फूक का सहारा लेते हैं बजाय ये समझने के कि वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हमारा मकसद ही है कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करें कि कैंसर जो एक बड़ी बीमारी है जिसका नाम बड़ा है, दरअसल उसे कैसे सेहत में भी बदला जा सकता है। नहीं, झाड़ फूक से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो डॉक्टर जुल्का जिक्र कर रहे थे कि आशा वर्कर, अगर औरत में ये बात झिझक निकालनी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी से पूरे घर के जो हेड है, जो मर्द है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अपने औरत से मतलब साफ साफ बात करे, उनको समझाए कि अगर आपको कोई गिल्टी होती है तो जरूर मुझे बताइए, और जब भी वो कहती है कि मुझे गिल्टी है तो उनकी ये ड्यूटी होती है, फर्ज होती है कि इमिडिएटली वो डॉक्टर के पास ले जाए। जी, और झाड़ फूक की बात है, ये आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है, ये सिर्फ आप गांव में नहीं देखा जाता है, शहरों में भी लोग झाड़ फूक की मतलब कोशिश करते हैं कि इससे ठीक हो जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब हमारे सबके तरफ से, झाड़ फूक से कैंसर की इलाज नहीं हो सकती है,
काफी सारे बीमारियों के झाड़ फूक से इलाज होती नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे डॉक्टर सजल ने बोला है कि कोई भी मुंह के अंदर छाला होता है जो 15 दिन से ज्यादा तक हील नहीं होता है और यानी कोई गिल्टी कोई भी होती है, कोई भी परेशानी आपको बेशक उसमें दर्द ना हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको लंबा ना कीजिए, जैसे कि हमारा पैनल बार बार आपको बता रहे हैं यहाँ पर मौजूद पैनलिस्ट। डॉक्टर सज्जन, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने एक अंधविश्वास की बात की, इस मुल्क में अभी भी लोग झाड़ फूक पर ज्यादा यकीन करते हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने की हैसियत से आप कैसे लोगों को मैसेज देंगे कि अर्ली स्टेज में कैसे आप फौरन फटाफट आकर डॉक्टर से मिलें ताकि इस नायाब और कीमती जिंदगी जो आपको ऊपर वाले ने अता फरमाई है उसको आप बचा कर रख सकें। देखिए, बहुत जरूरी है कि हम जागरूक हों अपने शरीर के प्रति और हमारे सोच में भी बदलाव आना जरूरी है, उसके लिए शिक्षा का होना जरूरी है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते हैं वैसे ही उन चीजों का अंधविश्वास में लोगों का विश्वास कम हो जाता है। तो पहले तो शिक्षा का महत्व है, दूसरा इस कैंसर के जैसे कैंसर जैसा मरीज है उसको हम जागरूक कर रहे हैं हर जगह पर। तो हमारा एक ही अगर मैसेज देना चाहेंगे कि ये अगर आपको कोई भी ऐसी तकलीफ है जो 2-3 हफ्ते में आप कहीं आसपास दिखा रहे हैं अपने लोकल डॉक्टर को और वो समस्या हल नहीं हो रही है, तो कृपया करके उस हिस्से के जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जरूर जाइए और डरिए मत। ये मत सोचिए कि मैं गया तो मुझे कुछ पकड़ में आ जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैंने कुछ टेस्ट कराए मेरे कुछ निकल आएगा, ऐसा नहीं। और ये भूल जाते हैं कि आप टेस्ट कराएंगे, डायग्नोज कराएंगे तभी आपको मालूम होगा, क्योंकि क्योंकि कबूतर आग बंद करके बैठ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे बिल्ली नहीं दिख रही, उसको बिल्ली नजर नहीं आ रही लेकिन बिल्ली को कबूतर जरूर नजर आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता। और जागरूकता कैसे होगी? बार बार ये प्रोग्राम करने से, यानी कि साल में एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हमारा मकसद दरअसल ये है कि इस मुल्क के अलग अलग तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपने इन खास कार्यक्रम के जरिए हम अवेयर कराएं, बताएं कि कैंसर जिसे लाइलाज कहा जाता है और कहीं किसी स्टेज पे जाकर होता भी है, उसको अगर आप फर्स्ट स्टेज पर रोक ले तो थर्ड और फोर्थ स्टेज तक जाने की नौबत नहीं आती। अच्छी बात ये है, अच्छी बात ये भी है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अच्छी बात ये है कि अभी मतलब हम 20 साल में देखें तो काफी जागरूकता बढ़ी है इंडिया में, ऐसा नेगेटिव नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में भी जैसे सर ने बोला पहले 60-70% लोग स्टेज 4 में आते थे, अभी 30-40% हो गए हैं वो, तो फर्क जरूर पड़ रहा है। ये तो हम बता रहे हैं 1970 से जब से हम देखते आ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि कोशिशें रंग ला रही हैं, ये कवायद रंग ला रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो आपने देखा, जाना और समझा किस कदर बारीकी से परत दर परत खोल कर हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल्स ने, जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने आपको समझाया कि कैसे कैंसर क्यूरेबल है, कैसे उसको अगर आप फर्स्ट स्टेज में पहचान ले तो इस लाइलाज बीमारी का इलाज भी मुमकिन है। और हर तरीके से आपको बस यही बताने की कोशिश की गई है इस खास कार्यक्रम के जरिए कि आपकी जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है और आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस खूबसूरत जिंदगी की खूबसूरती को बनाए रखें, इसको सेहत याफ्ता रखकर, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी एक दुनिया है, पूरी एक जिंदगी है। और बस यही कहना है आपसे कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, कैंसर क्योंकि इसको अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक लाइलाज बीमारी समझा जाता रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका इलाज मुमकिन है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आदाब।